अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आपको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पे। गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने एक कप लिया है मैदा, एक कप ली है मैंने सूजी, आप इसकी पैमाइश देख लें, मैं इसी वाला कप यूज़ करने इसमें लिया है। हाफ चम्मच मैंने नमक लिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। आज मैंने सोचा कि मैंने गोलगप्पे बनाए इफ्तारी में, बहुत दिल करता है चटपटी से इस खाने पर, क्योंकि हमारे में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं घर में, और दूसरा ये कि बाहर से भी गोलगप्पे नहीं मिल सकते लॉकडाउन की वजह से, तो घर में मैंने सोचा बना लूँ गोलगप्पे, और भी कुछ चीज़ें काफ़ी सारी बनाई थी तो साथ ही साथ सोचा गोलगप्पे बना लूँ। मैंने 3 बजे सारा सामान बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने हल्का सा पानी लिया, इसको अच्छी तरह से मैं आटा गूंथ लूँगी, इतना ज़्यादा सख्त हाथ नहीं रखना, नरम हाथ रखना, अच्छी तरह से इसे गूंथना है। जितना आप में पानी देखें, मैंने पानी भी थोड़ा थोड़ा डाल रही, जितनी मेरी ज़रूरत थी इसको गूंदने में, अच्छी तरह से गूंद रही हूँ हाथ से। और आप ना छोटा छोटा से अपने हाथ या तेली से इसे गूंदें, इसे ऐसे मिक्स करें अच्छी तरह से, अच्छा इसे अच्छी तरह से गूंदें, इसको बार बार से गूंदें, नीचे रख रख के गूंदें, हाथ की मुठियाँ बना बना के गूंदें, उंगलियों की मदद से इसको आराम से रगड़ दें, इसे अच्छी तरह से इसे इतना अच्छा गूंदें ना कि हमारी जो गोलगप्पे हैं मतलब इतने इतने क्रिस्पी बने और इतने फूले फूले बने ना कि मज़ा आ जाए। मैंने गीला रुमाल लिया था और उसे आधा घंटे के लिए मैंने ढक दिया है। अब मैं यहाँ बना रही थी पकौड़े, कल मैंने उसे शेयर नहीं किया था सही तरह से, तो आज मैं आपसे सही तरह से शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ आलू लिए हैं, प्याज ली है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी ज़रूरत रखें। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मैं मैदा डाल रही हूँ इस तरह से, आधा कप मैं इसमें डाल दूँगी बेसन। मैंने कल आपको सही तरह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, इसलिए मैं आपको सही तरह से आज कल बता रही थी इसमें मैं क्या क्या चीज़ें किस तरह से डाल रही थी। इस तरह से मैं बेसन, मैं जो बेसन और मैदा बहुत कम मकदार में डालती हूँ, इनका अपना कुछ जायका रखती हूँ कि अपना इतना ज़्यादा बेसन ना हो। अच्छा, इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, आप इसमें जो चीज़ें चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल बनाती हूँ इससे, बाजारी बिल्कुल बाजारी ऐसे बनते हैं वो से टेस्ट। इसमें हाफ चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, मैं इसमें आप अपने मुताबिक हर चीज़ डालिएगा। मैंने हाफ चम्मच में धनिया डाल दिया है, धनिया पाउडर, एंड हाफ चम्मच में इसमें फुल चम्मच में इसमें हल्दी, हल्दी से कलर अच्छा आता है पकौड़ों में, तो इसलिए फुल चम्मच हल्दी का डालती हूँ, क्योंकि ना इतना मुझे ब्राउन पकौड़े पसंद नहीं है, थोड़े थोड़े पीले पकौड़े पसंद हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करती। अच्छा, ये गोल धनिया है, ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, यानी कि एक चम्मच डाल दिया है धनिया का, एक दो चम्मच मैं डाल दूँगी कूटी हुई लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तारी में बच्चे भी खाते हैं, उनके लिए कम मिर्च यूज़ कीजिएगा। हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाया जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्च डाली, क्योंकि मैंने हरी मिर्च बहुत सारी ऐड की थी और ये लाल भी कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करूँगी, इसे मैंने 3 बजे ये बना के रख दिया था और मैं ये 6 बजे स्टार्ट करती हूँ पकौड़े बनाने के लिए। आप खुद अंदाज़ा लगाए इतनी देर रखा है इसमें, खुद ये पानी छोड़ देता है, ये आलू और प्याज अपना पानी छोड़ देते हैं, बस उसी को मैं मिक्स कर देती हूँ और बिल्कुल पानी ऐड नहीं करती हूँ, और इस तरह से इसे ऑयल गर्म करके इसको तल लूँगी। आपने मेरी पहली वाली वीडियो में अगर जिसने नहीं देखी वो वीडियो देखिएगा, देखें कि इस तरह से पानी छोड़ के इतने नरम हो जाता है, इस तरह से तल लेती हूँ मैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैं गोलगप्पों के लिए आधा घंटा हो चुका है, मैंने रख दिया था ये घर के ऑयल, मैंने अच्छी तरह से चढ़ा दिया, अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। मैं एक बार फिर इसकी हवा बाहर निकाल के अच्छी तरह से मैं इसके टुकड़े कर लूँगी, हाफ कर लूँगी, पेड़ा बना लूँगी इसका। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया, फुल आँच पहले गर्म किया फिर हल्की आँच कर दी, अच्छी तरह गर्म करके इसे पेड़ा बना दिया। अब इसको मैं रोटी इतनी पतली बेल लूँगी, पीछे मत जाओ, पीछे मत जाओ। अच्छा, ये मेरी आयरा थी, खेल रही थी, मैं गिरना चाह इसलिए मैंने उसे रोक ली थी कि गिरना जाना। अच्छा, अच्छी तरह से इसे बेल लेंगे, बहुत पतली रोटी बेलेंगे हम लोग, बहुत बहुत ज़्यादा पतली हो और इतनी आराम आराम से काम करना है आपने। ये मेरी वीडियो आप मैंने थोड़ी सी तेज़ की है स्पीड इसकी, इसलिए आपको बहुत तेज़ तेज़ लगा, बट मैं बहुत आराम आराम से काम कर रही थी ताकि ये जो हमारी रोटी है बिल्कुल फट ना जाए, और ध्यान कीजिएगा। अच्छा, आपके पास ना कोई भी इस तरह से बॉल हो, कुछ भी ऐसा बॉल सा हो आप इसे बना सकते हैं। मेरी सास खड़ी थी तो मुझे कह रही थी इतने छोटे छोटे गोलों पर थोड़ा सा बड़ा ले लो, तो फिर मैंने उन्होंने मुझे गिलास दिया, मैंने इस जैसे गिलास से अब कर रही, पहले मैं बहुत छोटे छोटे बना रही थी, फिर मैंने गिलास की मदद से, अब आपके पास कोई भी गोल चीज़ हो आप उसकी मदद से इसके सुराख कर लें। और देखिए मेरे सुराख हो चुके हैं, अब इससे आराम से बड़ी एहतियात से जो बाकी एक्स्ट्रा है वो अलग कर दीजिएगा, पर उसको ज़ाया नहीं करना, उसी का फिर दोबारा पेड़ा बनाएंगे हम लोग। और अच्छा जी, जब हमें गोलगप्पे मैंने बहुत ज़्यादा बनाए थे तो गोलगप्पे ना बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने फिर दोबारा सही तरह से बनाए,
बहुत गर्मी थी मेरे किचन में इतना, बस क्या बताऊँ मैं आपको। अफ्तारी बहुत मुश्किल से मैंने बनाई आज, हल्का सा मैंने इसे नरम कर रही हूँ, फिर दोबारा फिर इसे फुल ऑयल गरम ने और उसको डाला और चम्मच की मदद से इसे नीचे डुबोना है तेल में, बहुत आराम आराम से नरम से, इतना ज़्यादा सख्त हाथ नहीं, इतना हल्का हल्का इसे डुबोना। और माशाल्लाह से मेरे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा फूले फूले और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, और इसे गोल्डन सा इसका कलर करना है अपने, और फिर इसके दोबारा हम इसे उतार देंगे। इसी तरह से मैं सारे गोलगप्पे अपने बना लूँगी, रेडी कर लूँगी, उसके साथ जो मैं मिक्सर है वो आपके साथ शेयर करूँगी मैंने इसके साथ क्या क्या इसमें डाल के बनाया। अगर इसमें मैंने मिल्क चटनी बनाई था, जिसने नहीं देखी है तो वो मेरे देख लेगा मेरे चैनल से, मैंने थोड़ी सी फुल्कियाँ ये दमबेलों का सामान जैसे दमबे लगते हैं, फुल्कियाँ, आलू प्याज, इमली की चटनी बनाई थी, थोड़ा सा चाट मसाला वाला रायता, थोड़ा सा पुदीने वाला रायता बनाया मैंने, बिल्कुल खट्टा पानी बनाया था, ये पाते हैं, तंग कर रहा था बार बार।